हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहां पे आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में आईजीसीआर, हैवी वाटर बोर्ड, बार्क, एनपीसीआईएल और डीआरडीओ सेप्टेम्बर में जो नॉन टेक्निकल टायर वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग हम जो है वीडियो लेके आ रहे हैं। ये जो नॉन टेक्निकल सीरीज़ है वो आपको सीबी में हम पढ़ाएंगे आने वाले दिनों में, तो आशा करता हूँ वो वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो ये थी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी रिफाइनरी में आई हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कि आपका यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी आती है इंडियन ऑयल में तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा और जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके तहत आपको वहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो अब हम बात करेंगे ट्रेड की, कौन कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बीएससी की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो बीएससी के लिए पोस्ट कोड है 101 और 103, ये पोस्ट कोड है बीएससी के लिए, जहाँ पे बीएससी कैंडिडेट और एमएससी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, बीएससी में जो है अगर आपके 60% है, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका बीएससी के लिए 12 मंथ का रखा गया है। देन जो अगर बात किया जाए मैकेनिकल या फिर बॉयलर की, तो यहाँ पे जो है 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख रहे हैं कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। देन अब बात करते हैं डिप्लोमा वाले के लिए। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा की पोस्ट कोड है उनका कोड देख लीजिए क्या क्या है। 104 उनका कोड है और जहाँ पे वो मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है डिप्लोमा वालों के लिए है, बाकी 101 और 103 जो है ये बीएससी वालों के लिए है और एक 102 है ये जो है आईटीआई वालों के लिए है। तो ये थी इसे ट्रेड से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैंडिडेट इंक्लूडिंग बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडीबी कैटेगरी में अवेलेबल फॉर जॉब ओपनिंग अपॉन फर्दर सिलेक्शन कंडक्टेड बाय बरौनी रिफाइनरी। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर फर्दर कोई सिलेक्शन होता है तो यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, अब हम जानते हैं अलग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है इसके रिगार्डिंग। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बीएससी कैंडिडेट है उनके पास जो है 50% मिनिमम होना चाहिए और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके पास 45% होना चाहिए। और यहाँ पे डिप्लोमा जो सैंडविच कोर्स कर रखे हैं, यानी कि अल्टरनेट जो कोर्स कर रखे हैं जैसे लैटरल एंट्री जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये था इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एमएससी वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ एमएससी केमिस्ट्री शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर कोड ऑफ 101 एंड 103। ठीक है, लेकिन उनके जो बीएससी में परसेंटेज हैं वो उनका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और वो पीसीएम से होना चाहिए, तब जाके एमएससी केमिस्ट्री वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करें बी बी टेक वालों के लिए। तो बी बी टेक के लिए साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया गया है कि बी बी टेक, एम बी ए, सी ए, एल एल बी, एम सी ए जो है ये एलिजिबल नहीं है। देन अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है 24 साल रखी गई है। और बाकी जो रिलेक्शन प्रोवाइड होता है 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल जो है एसएसटी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन मेथोलॉजी जान लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका वो 2 घंटे का पेपर होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटर्न टेस्ट में जो है आपके डिसिप्लिन से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटली टेक्निकल क्वेश्चन होगा यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है आपको नोटिफिकेशन से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखी गई है कि आपका रिटर्न टेस्ट 2 घंटे का होगा और देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। और अब हम बात करते हैं मेडिकल फ़िटनेस की। तो मेडिकल फ़िटनेस जो है आप जो है ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके अपना मेडिकल फ़िटनेस क्या क्राइटेरिया है वो सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बताने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या स्टिपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए स्टिपेंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा रही है और इंश्योरेंस क्लेम भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोस्ट कोड 101 है उसके लिए जो सैलरी रखी गई है जिसमें केमिकल डिसिप्लिन है, 10,453 रुपये जो है मंथली स्टिपेंड रखा गया है। और जो फिटर है आईटीआई वालों के लिए जो है 12,726 रुपये रखा गया है पर मंथ। इसी तरह बात की जाए बॉयलर के लिए तो इनके लिए 10,000 पहले साल और इनकी 2 साल की ट्रेनिंग है तो दूसरे साल जो है 11,590 रुपये इनकी दिए जाएगी।
जाएगी। देन बाकी जो डिसिप्लिन है डिप्लोमा के लिए, तो इनको जो है 12,726 रुपये जो है इनको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये लिखा गया कि आपको कोई HRA वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो थी इसके रिगार्डिंग थी, स्टिपेंड्स रिगार्डिंग थी। अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके ये सारा डिस्क्रिप्शन आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सारी चीज़ें जान सकते हो। और इम्पोर्टेंट तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह का आपका ये पूरा फील्ड फॉर्म रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो वैकेंसी निकली है वो काफ़ी सारे रिफाइनरी यूनिट में निकली हुई है, जैसे कि आपका गुवाहाटी हो गया, दिगबोई हो गया, देन आपका बरौनी हो गया जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, बड़ोडा हो गया, हल्दीघाटी हो गई, देन मथुरा हो गया, पानीपत एंड प्रदीप। तो यहाँ पर ये सारे आपको ऑप्शन शो करेंगे। तो जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जिस स्टेट के लिए, फिर जिस रिफाइनरीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप क्लिक कर दोगे, देन जो है वैकेंसी आपको शो हो जाएगी और वहीं पर जो है आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर और सारा चीज़ जो है वहीं पे होगा। तो वो जो है अपने पर्सनल चॉइस पे है कि आप कौन सा रिफाइनरी चूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ किस प्रकार फॉर्म है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्म है, ये जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जहाँ से आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हो। और इसके अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन 16 अक्टूबर से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके है 9 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। देन इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करके आपको प्रिंट आउट लेके अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके 17 नवंबर से पहले जो है सेंड कर देना है। एड्रेस मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस एड्रेस पे सेंड करना है। इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका 18 नवंबर को जो है इसका रिटर्न टेस्ट होगा, 18 नवंबर को। और जो रिटर्न टेस्ट है उसका जो टेंटिव डेट है रिजल्ट का, वो आपका दिया गया है 27 अगस्त को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। देन इसका जो इंटरव्यू डेट है वो आपका 3 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में हो सकता है। अब दिखा देता हूँ कि क्या एड्रेस है, किस एड्रेस पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। तो ये जो एड्रेस है आपका, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, इस एड्रेस पे जो है आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ सेंड करना है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ उन कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।